फ्रेंड्स, ये हम बना रहे हैं सुबह नाश्ता में तहरी। जीरा और काली मिर्च डाल दिए हैं, फिर उसमें हमने प्याज और लहसुन मिर्चा डाल दिया। जो लाल हो गया तो उसमें हमने हल्दी मसाला हल्दी पाउडर, मीट मसाला, गरम मसाला और हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। और उसमें फिर हमने आलू मटर डाल के उसको अच्छे से भूज लिया है। जब वो हो गया तो उसमें हमने चावल डाल दिया और उसके बाद फिर हमने पानी डाल के बना लिया है। हमारी तहरी तैयार हो गई है फ्रेंड्स। और उसके बाद तहरी बन रहा था मेरा, तो एक तरफ मैंने सब्जी बची थी रात की, उसको मैंने भूज के रख दिया है। और बर्तन था मेरा, बर्तन में सरी आई हूँ और साथ के साथ किचन विचन साफ किए हैं, चाय भी पी रहे हैं। मेरी चाय ठंडी हो गई, तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा ली चाय। एकदम फ्रेश धनिया है और जैसे था वैसे, ये नहीं कि मैंने इसको छाट छूट के आप लोग को दिखाया। पत्ते इसकी जो एक दो पीले थे वही हैं, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए लग रहा है एकदम जैसे ताजा धनिया। और ये चार दिन के हो गए हैं, चार दिन के हो गए हैं, उसी तरह फ्रेश बने हुए हैं। और मैं नाश्ते में बना रही हूँ तहरी फ्रेंड्स। और ये मेरी रात की सब्जी बची हुई थी, आलू पालक बैंगन मटर की, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा गर्मा के रख देंगे, फिर खा लेंगे दोपहर, खवा जाएगा तो फेंका ही जाएगा फालतू। और तहरी मेरी हो गई है। अंशु को मेरे को जाना है कोचिंग, मेरा अंशु जाएगा 11 बजे, तो मैं सोच रही हूँ उसको पहले मैं नाश्ता दे दूँ, वो नाश्ता कर ले, नहीं इसको लेट हो जाएगा। आ जाइए आप लोग भी तहरी खा लीजिए फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, तहरी खा लीजिए, रेडी हो गया है गर्मा गर्म। कम धूप निकला था, गर्मी ही गर्मी। और मेरी वो बाल्टी पड़ी है, मैंने एक बाल्टी कपड़े आज धोए हैं और मुझे डालना है कपड़ा, उन्हीं कपड़े चलेंगे छत पे डालेंगे, साड़ियाँ सब नीचे डालेंगे। इतना मेरा बर्तन देखिए, भी माँच की नहा धो के मैं आई हूँ, इतना बर्तन मेरा इकट्ठा हो गया है, बर्तन माँचना है। ओ, जमीन देख रहे हैं आप लोग फ्रेंड्स, देखिए एकदम चिप्पी चिप्पी जमीन कर रहा है, देखिए नीचे एकदम जैसे पानी छोड़ा हुआ है बरसात में, बहुत बेकार हो जाता है। सूखा पोछा मारती हूँ फिर भी चिप चिप करता है, एकदम सूखा नहीं है जमीन। मेरे मनु मनु से मिल लीजिए, मेरे मनु पे धूप आने लगा, नहीं एकदम धूप नहीं मिल रहा था, सिकुड़ गए थे ठंड, ठंड से एकदम वो हो गए थे, एकदम निकल ही नहीं रहे थे। इस सब में भी देखिए, अभी सब मैंने ये कटिंग लगाई है, ये सब ना। और मैं कपड़े लेके छत पर आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए, काफ़ी धूप था तो मैं यहाँ डाल देती हूँ, शाम तक टेंशन दूर होता है। खाली एक बार आके मैं पलट देती हूँ कपड़े बस, और ये मैं डाल दे रही हूँ। 4-5 कपड़े उन्हीं कपड़े थे इसलिए मुझे छत पर डालना पड़ा, और धूप बहुत अच्छी हुई थी। मैं डाल के चली जाऊँ, ऐसा मैं डालती हूँ कि एकदम धूप उस पर मतलब लगता रहे, और डाल के मैं चली जाऊँगी। फिर एक बार 3 बजे आऊँगी, 2-3 बजे आऊँगी, फिर एक बार पलट के फिर चली जाती हूँ, और धूप में मैं बैठती नहीं जाता, एकदम सर दर्द करने लगता है धूप की वजह से। उसके बाद फिर मैं नीचे आई हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने सारा कमरा अपना समेटा है, बिस्तर ठीक किया है, सब बिस्तर विस्तर ठीक करे हैं, झाड़े हैं। और झाड़ू पोछा तो मेरा ऑलरेडी हो चुका था मॉर्निंग में ही, और अंशु के ऊपर मैं गुस्सा भी रही थी। 8 बजे सो के उठे हैं, चाय बनाए हैं, चाय बनाने के बाद झाड़ू लगाए हैं, पोछा लगाए हैं, फिर गए नहाने के लिए और बर्तन माजे, उसके बाद एक बाल्टी भर के कपड़ा धोए, फिर नहा कर आए, पूजा किए, पूजा करने के बाद फिर तहरी बनाए, उसके बाद नाश्ता करे और अपने अंशु को खिलाए। और मेरा अंशु कोचिंग जाने वाला है, देखिए 11 बजे। ओ रेडी हो यार, 11 बजे जाना है ना, तो जाओ, कोचिंग जाएगा मेरा बच्चा, उसके बाद फिर आएगा तो मेरा भेजा खाएगा। क्या बना रही है मम्मी, खाएगा नहीं, खाना खाने में इंटरेस्टेड नहीं है, बस क्या बना रही है, क्या बन रहा है, बस उतना बहुत है। और मैंने पोछा लगाया, फिर जमीन मेरा एकदम सीतहा है, मैं कैसे, मेरे को दिखेगा ही नहीं आप लोगों को, काली काली जमीन है, मिडिल क्लास वालों का घर है ना। और छत पे गए हैं, कपड़ा वपड़ा डाल के आए हैं। और फ्रेंड्स
अब थोड़ा सा कंघी वंगी कर लेते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं क्या बनेगा। अब गर्मी आ गया, अब तो मेरा वही रेगुलर है, दाल चावल दाल चावल दाल चावल रोटी दाल चावल रोटी, बस कभी सलाद कभी भुजिया बाई चांस, नहीं तो सलाद। गर्मी में हम लोग सलाद बहुत खाते हैं, वो भी सिर्फ टमाटर और प्याज का और खीरा का। मेरा उनसे इम्प्रेशन देने से पीछे नहीं हटता है कि मेरे हस्बैंड मशीन चालू करने जा रहे हैं, मुझे उसमें भी लगना होगा, अपना किचन भी देखना होगा, अपना घर भी देखना होगा। क्या जिंदगी, हाय क्या जिंदगी है। और खाना वाना बनाने के बाद फ्रेंड्स देखिए मैं साड़ी प्रेस कर रही हूँ। मेरी साड़ियाँ काफ़ी गंदी हो गई थी तो गर्म पानी में धोए थे, उसके वजह से सिकुड़न आ गई थी। तो उसके बाद मैंने दोनों साड़ी येल्लो वाली, इसको दोनों को मैं प्रेस कर रही हूँ। साड़ी प्रेस कर रहे हैं, देखिए इसको किए हैं अभी। ये वाली मेरी हो गई है प्रेस, और ये वाली कर रहे हैं। सबको आज गर्म पानी में धोए थे, काफ़ी गंदी हो गई थी, ठंडी में तेल वेल लगाने से ना गंदी हो गई थी, तो गर्म पानी में धोए हैं और सिकुड़न आ गई थी, तो इसको आज प्रेस कर रहे हैं। इसको परसों किए थे धो के, एकदम अब रिजेक्ट करने वाली साड़ियाँ हो गई, ये भी और ये वाली दोनों रिजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं अब गर्मी में पहन ले, क्योंकि बहुत हल्की साड़ी है, बहुत आराम मिलता है इसमें को। इसको भी गर्मी भर पहनेंगे, उसके बाद सोचेंगे। अच्छी है साड़ी, लेकिन मुझे यह कलर पसंद नहीं। ऑनलाइन बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने मंगा ली। अंशु नहा रहा है, इस वक्त बज रहा है 12:30, और मेरा अंशु अभी कोचिंग से आया है, नहाने गया है, और नहा के आता है तब हम लोग खाना खाएंगे, भी हस्बैंड भी नहाने। देखिए मेरा चावल बन गया है, दाल बन गया है, और ये सब्जी मैं गरम कर रही हूँ, और मेरी रोटी, और ये गाय की रोटी मैंने निकाली है, उसमें मैंने दाल चावल डाल दिया है। सब्जी मैंने नहीं निकाला क्योंकि सब्जी मेरी रात की थी, जूठी सब्जी थी, इसलिए सिर्फ दाल चावल डाले हैं। मैं सबके लिए खाना निकालने जा रही हूँ फ्रेंड्स। और देखिए आज ये सब्जी बची तो थोड़ी सी सब्जी देंगे, गोभी का अचार देंगे, और शिमला मिर्च सॉरी क्या कहते हैं उसको, सेम का अचार है। ये मेरे हस्बैंड की थाली है, हम लोग इसी तरह खाते हैं, और कटोरी में निकाल निकाल के अलग अलग हम लोग नहीं खाते हैं। जैसा देखिए सेम का अचार, गोभी का अचार और सब्जी है। बस ये मैं अंशु ले जाके अपने पिताजी को खाना दे रहा है।